नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं महानगर की खबरों की ओर। बंगाल विधानसभा में पोस्टर लेकर नारेबाजी पर रोक, केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर पोस्टर और बैनर लेकर नारेबाजी करने और धरना देने पर रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही आज ही विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार की ओर से निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। दुर्गा पूजा के बाजार के दौरान हावड़ा की दुकान में लगी भयावह आग, फैली दहशत। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा मैदान बंगवासी सिनेमा हॉल के पास चिंतामणि दे रोड पर एक छाता की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। बंगाल गाय तस्करी का मामला, अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड की पत्नी और मां को ईडी ने किया तलब, होगी पूछताछ। एसएससी भर्ती घोटाला, गिरफ्तारी के 58 दिन बाद पार्थो और अर्पिता के खिलाफ चार्जशीट, ईडी करेगी दायर। शारदा चिटफंड घोटाले का मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन को आसनसोल अदालत में किया गया पेश, हालांकि इस दौरान सुदीप्त सेन पूरी तरह से मौन धारण किए रहे। उन्होंने संवाददाताओं के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ना किछु बोलबेन कि दादा? किछु बोलबेन दादा। अब रुक करते देश और विदेश की खबरों की ओर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक का इंटरनेशनल कनेक्शन, छात्रा को कॉल पर धमकी, तुम्हारा भी वीडियो है वायरल कर देंगे, इसके बाद ही भड़की लड़कियां। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।